हेलो दोस्तों, ये थ्योरम नंबर 1 है सर्किल की। देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कह रहा है कि हम जो टेंजेंट बनाते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं सर्किल से, ठीक है, किसी एक पॉइंट से वो पास होती है। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सेंटर से रेडियस को ज्वाइन करें तो वो परपेंडिकुलर होती है उसकी। ये हमसे कह रहा है, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना। देखिए कैसे करेंगे। मान लिया कोई ये सर्किल है, ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। इसको कोई टेंजेंट मान लिया, ये टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? सर्किल को एक एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ए भी कोई टेंजेंट है जो इस सर्किल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने नाम दे दिया इसको पी। यहाँ पे क्या गिवन है, पहले उसे लिखेंगे। जो गिवन होता है, थ्योरम का मैंने रूल बता रखा, पहले गिवन, फिर क्या जो प्रूफ करना है, उसके बाद जो अलग से कुछ अगर ड्रॉ करना होता, और उसके बाद प्रूफ। देखिए, गिवन के बाद क्या करते हैं। इस सर्किल ऑफ सेंटर ओ सेंटर ओ हैविंग ए बी एस टेंजेंट विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट पी। ये सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, उसको एक ए बी टेंजेंट पी पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। हमें आप प्रूफ क्या करना है, देखिए, जो प्रूफ करना, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि रेडियस जो होगी, ये रेडियस होगी है ना, ये रेडियस जो होगी ओ पी परपेंडिकुलर होगी ए बी के। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन कुछ ड्रॉ करेंगे हम। हम क्या करेंगे, इस पूरे टेंजेंट पर कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट लेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पर कहीं एक पॉइंट लिया, ठीक है, टेक, क्या किया, टेक अ पॉइंट ऑन टेंजेंट, ठीक है, एस क्यू एंड जॉइन इट टू ओ। तो इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो। अब यहाँ पे देखिए, एक टेंजेंट जो होती है सर्किल को केवल एक ही पार्ट में क्या करती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो क्यू जो होगा, क्यू तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटसाइड द सर्किल हो गया। देखिए इधर लिखेंगे कैसे, क्यू इज ए पॉइंट अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अलावा के अलावा कोई पॉइंट है, तो वो क्या होना चाहिए, आउटसाइड द सर्किल लाई करना चाहिए। हेंस क्यू लाइज आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। केवल जो टेंजेंट होती है उसका एक ही जगह वो टच करती है, और क्यू जो उससे वो पॉइंट नहीं है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो क्यू इसका मतलब क्या हो गया, सर्किल से बाहर होगा। अगर क्यू सर्किल से बाहर है तो क्या होगा मेरा, लेट, पहले क्या करेंगे, ये जो हमने ओ क्यू को ड्रॉ किया था, लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट आर। मान लो ये आर पे इसको इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, तो ओ क्यू ओ आर से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि क्यू बाहर लाई कर रहा है, तो ओ क्यू बड़ा होगा किससे, ओ आर से, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। अब देखिए, ओ पी भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है, दोनों रेडियस रेडियस है, रेडियस रेडियाई ऑफ सर्किल, ठीक
क्वेश्चन नंबर टू। अब देखिए, अगर मैं यहाँ ओपी रख दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, फ्रॉम वन एंड टू क्या मिलेगा मुझे, ओ क्यू जो होगा ग्रेटर होगा किससे, ओपी से। ओ क्यू क्या है, ओपी से बड़ा है। अब देखिए ओ क्यू ओपी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओपी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी, अगर मैं कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ ए बी से तो सबसे छोटी जो होगा ओपी ही होगा, ओपी से तो हर हर कोई बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एनी पॉइंट एनी लाइन ओपी इज शॉर्टर देन एनी लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ओ एंड एनी पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, ए बी पे अगर मैं कोई पॉइंट लू उसे ओ से ज्वाइन करूं तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा ओ पी से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ पी क्या होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हम हमें पता है, वी नो दैट क्या पता हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड लाइन इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो क्या होना चाहिए, ओपी ओपी हैंस ओपी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ओपी परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, ए बी के। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, कुछ अगर समझ नहीं आया हो तो। सबसे पहले क्या किया, एक सर्किल दे रखा था जिसका सेंटर ओ था, ठीक है, ए बी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था, पी। नेक्स्ट क्या किया हमने, जो हमें प्रूव करना था कि अगर ये रेडियस जो होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलर होती है टेंडेंस के। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अलावा, अगर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अलावा पॉइंट लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सर्किल से बाहर लाई करना चाहिए, क्योंकि वो टेंजेंट जो होती है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है सर्किल को। तो देखिए नेक्स्ट क्या किया मैंने, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सेंटर से, सेंटर से ज्वाइन करने के बाद क्या क्या होगा, उसका मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट आउटसाइड का हो गया। तो मैंने क्या करा, वो उसे जब ज्वाइन किया था आउटसाइड द सर्किल से, तो मान लिया वो सर्किल को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो बाहर जो लाइट पॉइंट लाई कर रहा उसकी डिस्टेंस हमेशा उसके उसके पार्ट में से, उसका जो पार्ट होगा उससे बड़ी होगी, यानी ओ क्यू बड़े हो गई ओ पी से, ओ आर से। हमें पता ओ पी और ओ आर क्या है, इसकी रेडियस है सर्किल की, तो दोनों ही बराबर हो गए। इसका मतलब ओ क्यू क्या हो गया, फ्रॉम वन एंड टू ओ पी से बड़ा हो गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ए बी से तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा ओपी से बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपी ओपी की डिस्टेंस जो ओपी जो होगी लेंथ होगी हमेशा सबसे कम होगी। अगर सब ओपी की लेंथ सबसे कम है इसका मतलब क्या हो गया, ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई किसी लाइन से किसी पॉइंट के बीच में। और हमें पता है कि किसी लाइन और पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखना, किसी पॉइंट और लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब ओपी क्या हो गया, ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।